हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम ने अचानक से बदली कर ली है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और वो भी बहुत तेज़। सूरज भी अभी तक निकला नहीं है, मतलब धूप नहीं आई है, सूरज देवता तो कब के ही निकल चुके हैं। तो भाई अभी खा रहे हैं अंदर खाना, मैं दे रहा हूँ नारायण लक्ष्मी को खाना, फिर खाऊँगा खुद खाना। तो अभी हवाएं बहुत चल रही है और आज जाएंगे उस साइड पे, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। और आज पूरी कोशिश रहेगी कि उसको फिनिश करके आएँ। कल भी मैंने आपको यही कहा था लेकिन कल फिनिश हुई नहीं, तो आज कोशिश पूरी 100% यही कोशिश रहेगी कि आज फ्री कर दें। तो गाइस खाना हो गया तैयार, आज खाने में है दाल रायता और चटनी। तो जल्दी से खाना खाते हैं फिर चलते हैं काम पे। तो गाइज नारायण तो अपनी प्लेट छोड़ के चला गया है, लक्ष्मी लेकिन अभी अपना खाना खा रही है, तो इन लोगों को खाना खाने देते हैं और अपन चलते हैं काम पे जल्दी से। भाई जूते वगैरह पहन के आ रहे हैं, तब तक मैं बाइक बाहर निकाल लेता हूँ, फिर जल्दी से चलते हैं। तो गाइज माता रानी से विनती करने के लिए आ गए हैं। तो गाइस अभी भाई जा रहे हैं कस्टमर के पास पेमेंट लेने के लिए, जो पुराना पेमेंट बाकी पड़ा था, और मैं बैठूंगा दुकान में। आज मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बाहर हवाएं चल रही है जोरदार। दुकान में मैं बिना जैकेट के बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है तो हवा अंदर आती नहीं है। इस वजह से भाई काफ़ी देर से कस्टमर के पास गए हुए, आए नहीं है। उनको फ़ोन करते हैं कि आ जाओ भाई जल्दी, आज काम पर नहीं गए तो क्या हुआ, कम से कम घर पर तो जल्दी चले। तो गाइस भाई आ गए हैं, सब्जी लेके आए, जो इनके मुंह में गाजर है देखो। तो अब चलते हैं घर पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा इतनी चल रही है, मैं अंदर आया मेरे को सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, झाड़ू निकला हुआ ही है अंदर तो। तो अभी आया है खाने का इनविटेशन, शादियाँ फिर से स्टार्ट हो रही है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो शादी के घर पे खाना खाने जाना है, जल्दी से चलते हैं खाना खाने, भूख भी बहुत लगी है आज। तो गाइस इस कुत्ते से नवीन इतना डर रहा है तो पूछो मत। इसकी शक्ल देखो नवीन, घर पे चले। नवीन की चिट्टी विट्टी गुल हो गई है, नजरे देख रहे हो नजरे। मेरा शौक है कि कुत्ते को मैं ना बहुत प्यार से खिलाता हूँ, ये अब मेरे पाँव के पास आके खड़ा हो गया है, इसको खुजली हो रही है तो ये मतलब ऐसे इसको अच्छा लग रहा है। ये देखो। हाँ ले भाई, मैं तेरे कुछ लिख करूँ, ये मेरे पास ही बैठ गया। भाई इसकी शक्ल तो देखो यार, कुत्ते से डरते हुए ऊपर ही चढ़ गया। नवीन इधर देख रहा, नवीन इधर देख। तो गाइज हम सब लोग आ गए हैं खाना खा के, और मैंने भी चेंज कर लिया है, पेट फट रहा है, बहुत ज़्यादा ही खा लिया मैंने खाना आज, तो जल्दी से मैंने चेंज भी कर लिया है। और अब इसको देखो सोने के लिए अब तैयार है सब लोग, मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, हम लोग भी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में आपने देखा मैं आज काम पर गया ही नहीं, जो मैंने आपको कहा था कि 100% आज मैं साइड फ्री कर दूंगा, वैसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं गया ही नहीं था साइड पे। तो कल जाएंगे हम लोग साइड पे, कुछ सामान की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे, वो सामान हमने आज मंगवा लिया है, तो कल हम यहाँ से सीधा साइड पे जाएंगे और कल उसको फाइनल कर देंगे 100%। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।